हेलो गाइस, अंशुमन जोशी दिस साइड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2, 3 और 4 जुलाई के करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा ये 3 दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस निकलते हैं। तीनों डे के जो ढूंढ के हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए 10 क्वेश्चन निकाले हैं, वो हम आपको करवाएंगे। उसके साथ साथ हम आपको करवाएंगे इसके जो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बाकी वो सब भी हम आपको करवाएंगे। और दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड करा था हमारे चैनल पे, इसी लर्न चिकी तेजी चैनल पे, जिसका मतलब टॉपिक था कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। हमें आपको जो भारतीय अपवाह तंत्र है या फिर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है, वो पूरी डिटेल में समझाया था। खाली 25 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई है, तो अगर आप वो वीडियो भी देख लेते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा नॉलेज तैयार हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको कंसेप्ट बाय एजी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो जैसे आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको जितने भी हमने कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाए वो सारे मिल जाएंगे। उसके अंदर हमने एक वीडियो बनाया था अभी, जो ड्रेनेज सिस्टम से पहले वाला जस्ट वीडियो था टॉपिक पे, वो था कि इंडिया 5.5 घंटे आगे क्यों है। यानी आपने सुना होगा इंडिया जो है GMT से 5.5 घंटे आगे है, वो क्यों है वो हमने आपको उसमें बताया। उसके साथ साथ वो तो एक टॉपिक है कि टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है, वो तो हमने आपको बताया ही। उसके साथ साथ हमने आपको क्या बताया है? कि जो शुरुआत के 10-12 मिनट हमने आपको इंडिया के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज दी है, उसके अंदर हमने आपको बहुत ढेर सारे फैक्ट्स बताए हैं। तो अगर आपको टॉपिक भी नहीं जानना, अगर आपको टाइम कैलकुलेशन वाला टॉपिक भी नहीं जानना, जब भी आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के कितने उपग्रह के साथ रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों, हमारे ऑप्शंस हैं ए 4 उपग्रह, बी 1 उपग्रह, सी 2 उपग्रह और डी 3 उपग्रह। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है डी 3 उपग्रह। तो हमारे डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया है। प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। भारत के 2 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के 2 उपग्रह सहित 6 नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में गए हैं। PSLV C-53 न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी इसके ये बहुत चर्चा में भी चल रहा है। हमारे ऑप्शंस है ए एकनाथ शिंदे, बी देवेंद्र फडणवीस, सी संजय रावत और डी राज ठाकरे। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए एकनाथ शिंदे। दोस्तों, इसके अंदर फ्लोर टेस्ट आया था, तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है उसके ऊपर भी हम आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे पॉइंट्स। दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्देशन में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद लिया गया है। अब दोस्तों, फ्लोर टेस्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव या फ्लोर टेस्ट हमेशा सदन के पटल पर आयोजित किया जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वर्तमान सरकार को कम से कम 51% सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। कानून के अनुसार राज्यपाल अनुच्छेद 175 के दूसरे भाग के अनुसार सदन को बुला सकता है और यह निर्धारित करने के लिए एक फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। यदि विधानसभा सत्र में नहीं है तो राज्यपाल अनुच्छेद 163 के तहत अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग स्पीकर को फ्लोर टेस्ट बुलाने की अनुमति देने के लिए कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ढूंढे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हमारे ऑप्शंस है ए ताइवान, बी फिलीपींस, सी वियतनाम और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी फिलीपींस। तो हमारे बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, फर्डिनेंड मार्कस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मार्कस जूनियर को बोंगबोंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मनीला में ललित कला को राष्ट्रीय संग्रहालय में शपथ ली। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 2028 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सारा दुर्तेते कॉर्पियो उपराष्ट्रपति बनी है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुर्तेते का स्थान लिया है,
जिन्होंने 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। राष्ट्रपति फिलीपींस सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। राष्ट्रीय का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए नेशनल युवा डे, बी नेशनल नर्स डे, सी नेशनल डॉक्टर्स डे और डी इंटरनेशनल युवा डे। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है नेशनल डॉक्टर्स डे, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं दोस्तों। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे की शुरुआत 1 जुलाई 1991 से की गई थी। यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को समर्पित किया गया है। डॉक्टर विधान रॉय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी योगदान दिया था। इसी दिन महान फिजिशियन और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म हुआ था। डॉक्टर राय के देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 की थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी बांग्लादेश, सी रूस और डी ब्रिटेन। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है डी ब्रिटेन। दोस्तों भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिटेन ने सितंबर से वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए 75 छात्रवृत्ति की पेशकश की है। इस योजना के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रमुख व्यापारी घरानों के साथ भागीदारी की है। यह एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु के बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किसने किया है? हमारे ऑप्शन है ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी फिलिल अल्ब्रेक्टो और डी सौमित्र भट्टाचार्य। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बेंगलुरु के प्रौद्योगिकी और सेवाओं के शीर्ष प्रदाता बॉश इंडिया के नए स्मार्ट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बॉश पहली बार 1 सदी पहले एक जर्मन कंपनी के रूप में भारत आया था। यह भारतीय ऊर्जा और जर्मन इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। रॉबर्ट बॉश के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य और औद्योगिक संबंध निदेशक है फिलिस अल ब्रैक्टो। बॉश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और बॉश समूह भारत के अध्यक्ष है सौमित्र भट्टाचार्य। दोस्तों जो ऑप्शन आए थे उसके आपको एक तरह से बता रहे हैं कि ये किस पोस्ट पे है जिस वजह से इनका नाम दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है ए 2 जुलाई, बी 3 जुलाई, सी 4 जुलाई और डी 5 जुलाई। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है 2 जुलाई को। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। हर वर्ष यूएफओ दिवस 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह विश्व यूएफओ दिवस संगठन द्वारा अज्ञात उड़ान वस्तुओं यूएफओ के निसंदेह अस्तित्व को समर्पित करने का दिन है। WD का उद्देश्य यूएफओ के अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को ब्रह्मांड में अकेले नहीं होने की संभावना के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए गौतम अडानी, बी अजीज प्रेम जी, सी अशोक सुता और डी रतन टाटा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है अशोक सुता। हमारे सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं दोस्तों। हैपीपिस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सुता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है ए टी राजा कुमार, बी डॉक्टर मार्कस प्रियर, सी दीपक शर्मा और डी रविंद्र नायर। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ए टी राजा कुमार। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं दोस्तों। टी राजा कुमार वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद रोधी वित्त पोषक उपायों की प्रभावशीलता के सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने डॉक्टर मार्कस प्लेयर का स्थान लिया और 2 साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए एक वैश्विक निगरानी संस्थान है। भारत 2006 में AFTF में ऑब्जर्वर बना और 2010 में पूर्णकालिक सदस्य बना। FATF की स्थापना 1989 में। FATF का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में इसराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए नफ्ताली बेनेट, बी मिकल हरजोग, सी बेंजामिन नेतन्याहू और डी यायर लापिड। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है डी यायर लापिड। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों यायर लापिड इसराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नफ्ताली बेनेट की जगह ली है। 4 साल से भी कम समय में यह पांचवा चुनाव होगा। नफ्ताली बेनेट का कार्यकाल इसराइल के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। यायर लापिड ने कहा कि वह भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। इसराइल की राजधानी है यरूशलम। इसराइल की मुद्रा है इसराइल शेकेल। इसराइल के वर्तमान राष्ट्रपति है इसाक हर्जो। तो दोस्तों यह था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने आपके लिए टॉप क्वेश्चंस जो है लेके इस वीडियो में आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमने आपके लिए ऐसा हेल्पफुल कंटेंट अपलोड कर भी दिया है और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम ब्रेक योर लिमिट्स।